बहुत सुंदर। कौन सा? और मैं हमारे सम्मानी रेशम पाल जी ध्यान दें, बहुत सुंदर एक धुन बजी बहुत पुरानी। कौन सी? कौन सी? किस सजा ही सही आज कुछ तो मोहब्बत का अब कुछ भी अंजाम हो, मुलाकात की इंतहा हो गई। रेशम भाई हमारी नजर क्यों खपा हो गई? खता बख्श दो से भी लाए। वही से बात कर रहा हूं कि जिस समय सबरी भगवान राम के लिए बैठी हुई है कैसे और इंतजार कर रही है। सबरी प्यासी प्रभु दर्शन की, जाती हालत बिगड़ी सबरी है। प्रभु राम मिले जब सबरी से, तब दूर हुई बेसबरी है। पर को न परी हो गई बाबरी, क्या बात है, यो फूल को फिरती भमरी है। मन धैर्य धरी भक्ति में भरी, जीवन की मिली खुशखबरी है। और कौन सी खबरी मिली? कौन सी? अब यहां समझने की बात है रेशम जी, कि जिस समय सबरी भगवान राम को बेर झूठे खिला रही है, खिला रही है, और उस समय होता क्या, लक्ष्मण जी देख रहे हैं। लक्ष्मण जी को गुस्सा आता है कि मेरे प्रभु को ये झूठे बेर खिला रही है। और क्या, और भगवान राम ने उसे देख लिया। और जब भगवान राम ने देखा लक्ष्मण जी को, देख लिया कि गुस्से में है लक्ष्मण जी, तो क्या किया भगवान राम ने लक्ष्मण जी के लिए, देख लिया क्या, क्या बात है। देखना, लाइन देखना क्या है, ये है शुद्ध देसी घी, ये घासलेट नहीं है। आज भगवान राम ने लक्ष्मण जी के और
एक झूठा पैर लेकर के लक्ष्मण जी को कहने लगे इसे खाओ, खाओ इसे, इसे खाओ, तो होता क्या इसमें, क्या होता है? खा लो लखन, ये निमंत्रण खुला है, खा लो लखन, ये निमंत्रण खुला है, खुला हुआ निमंत्रण है, हर पैर में प्रेम का रस भरा है। क्यों कहा? खा लो लखन, ये निमंत्रण खुला है, हर पैर में प्रेम का रस घुला है। हर पैर में प्रेम का रस घुला क्यों मालूम है? पैर तो प्रभु से लखन ले लिया है, नजर को छुपा फेंक उसको दिया है। क्या बात है! और जब पैर को फेंक दिया लक्ष्मण जी ने नजर छुपा करके, तो हुआ क्या? क्या हुआ? पैर इतनी तेजी से गया, तो हो सकता है एरोप्लेन हवाई जहाज सब फेल है। अब हुआ क्या? क्या हुआ? गिरा पैर गिर, वो पैर कहाँ गिरा? कहाँ गिरा? पैर गिर पर जो फेंका लखन, गिरा पैर गिर पर जो फेंका लखन, ये कैसे उस मर्तबा हो गया। मेरी ये बात समझ में नहीं आई। बेर क्या हवाई, बेर क्या हवाई, हवा हो गया। ये समझी? बेर क्या हवाई, हवा हो गया, जो द्रोणागिर पे जाके वो दवा हो गया। वही बेर, बेर क्या हवाई, हवा हो गया, द्रोणागिर पे जाके दवा हो गया। बेर क्या हवाई, हवा हो गया, द्रोणागिर पे जाके दवा हो गया। और ये 51 रुपए का बहुमूल आशीर्वाद सम्मानी हमारे गुरु सम्मानी राकेश उपाध्याय जी, राम कथावाचक, उनके कर कमलों द्वारा हुए हैं। जय हो! हार्दिक हार्दिक वंदन है, अभिनंदन है। लेकिन रेशम जी, एक बात पूछ रहा हूं तुम्हें, या जितने भक्त बैठे हैं, मुझे केवल ये बता देना कि अगर बेर, अगर बेर को गाड़ दिया जाए तो उससे क्या पैदा होगी? बेरिया होगी कि नहीं होगी? ये हमारे बड़े भाई सम्मानी द्वारा ये 101 रुपए का आशीर्वाद है। अगर जब पैर, पैर से क्या होगा? और सम्मानी हमारे श्याम गुरु जी के कर कमलों द्वारा ये बहुमूल आशीर्वाद हुआ है। हार्दिक हार्दिक वंदन, अभिनंदन। तो मैं पूछ रहा हूं रेशम जी, जय हो, पैर से सदा बेरिया होती पैदा? अरे आम की गुठली से आम पैदा होता है, नीम की गुठली से नीम पैदा होता है, तो बेर की गुठली से बेरिया ही पैदा होनी चाहिए। संजय भैया बता दियो, पेर से सदा बेरिया होती पैदा, तो संजीवनी फिर पनी क्यों अलैदा? क्या बात है! लेकिन एक लाइन समझना, वहां भी या जितने भक्त बैठे, जो दवा बनी उसका भी कारण था। दवा ली दवा सारी शर्मा गई, दवा ली दवा सारी शर्मा गई, उसी का वहां तब दवा हो गया। लेकिन लाइन क्या कह रहा हूं? क्या
संजीवनी क्या है? क्या है? इस बूटी का पेड़ ही बीज क्या है? अगर पेड़ से संजीवनी पैदा हो रही है, ये समझ में नहीं आई बात। तब कहा क्या? मैं नहीं कह रहा, इसको कह कौन रहा है? सही मानते सारे मानव इसे, मानस भी ग्रंथ जो गवाह हो गया। रामचरितमानस गवाह है। आइए मैं अंतिम लाइन पढ़ रहा हूं रेशम जी। शक्ति लगी शोक में प्रभु समाए, जब शक्ति लक्ष्मण जी के लगी शोक में प्रभु समाए, बूटी को लेने पवन सुत पठाए। लेकिन वह हुआ क्या? क्या हुआ? द्रोणागिर सहित बूटी लाई गई है, और वही बूटी लक्ष्मण को पिलाई गई है। लेकिन एक लाइन और चल रही है यहां। क्रोधी कहे पहुंचा पर्वत दिया, तो बूटी से फिर क्या तबाह हो गया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बूटी से फिर क्या तबाह हो गया, पेड़ क्या हवाई, अरे हवा हो गया, अरे द्रोणागिर पे जाके दबा हो गया। पेड़ क्या हवाई, हवा हो गया, द्रोणागिर पे जाके दबा हो गया। द्रोणागिर पे क्या खालो लखन ये निमंत्रण खुला है। जय हो, जय हो, सबार दे, जय बोलना, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लखन ये कैसा कैसा, तो ये मर्तबा हो गया। पेड़ है हवाई, पेड़ क्या हवाई, हवा हो गया, द्रोणागिर पे जाके दबा हो गया। अच्छी बात है, वो पेड़ गया ही नहीं द्रोणागिर पे। हेलो, ये समझो। हाँ देखिए, मैं थोड़ा सा निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारी जनता को थोड़ा ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा उस दौर में आइए जो होना चाहिए। हाँ बोलो, गोविंद भगवान की जय। हाँ उस आइए आइए, थैंक यू। राजू भैया, मैं ये दावे के साथ कहता हूं, बेर बेर जो बेर फेंका गया है, सिलो
त्रिलोचन के आंगन में देखा गया है। और मिला के यहां हनुमान ने बोना पहचान पाई पैर बो बना है सजीवन नहीं। सुनिए वो पैर संजीवन नहीं, पैर जो बना वो संजीवन नहीं। लेख इस तरह है से गवाह हो गया हनुमान का रुतबा हो गया रामातल बेपरवाह हो गया हनुमान का रुतबा हो गया।